पावन ते पवित्र हजूरी च सज बैठी गुरु प्यारी साध संगत जी गज वज के फतेह बुलाओ। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। अज आप सारे धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव साहिब महाराज जी का बहुत ही श्रद्धा ते सत्कार नाल ज्योति जोत पुरब मना रहे हैं। दुनिया भर के अंदर, दुनिया भर च लोग धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों नाल जुड़ के अज इस महान पुरब नू बड़े ही श्रद्धा ते सत्कार नाल मना रहे हैं। आप पवित्र स्थान जिथे अज आप सारिआं नूं इह मौका मिलिआ धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों नाल जुड़ के इस महान पुरब नूं मनाउण दा। दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी जिथे दिल दीआं गहराइआं चों आप दा धन्नवाद करदी आ, आप दे अगे नतमस्तक आ संगतां दे अगे, आपने सानू दासां नूं इन्हां महान स्थानां दी सेवा करन दा एक मौका बख्शिआ। गुरु चरणां नाल सुशोभित, गुरु चरणां दे तोर नाल सुशोभित ये महान गुरु चरणां दे स्थान जिथे मालक दे आप गुरु चरण पए होण, उन्हां महान स्थानां दी सेवा आप संगतां ने साडे दासां दी झोली पाई आ। गुरु प्यारी साध संगत जी, असी बड़ी अपने वालों गुरु साहब की हाजरी च, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की हाजरी च कह सकते हैं, असी अपने वालों ईमानदारी और दयानदारी नाल सेवा निभाने की कोशिश की। इंसान आ, बहुत सारिया भुलां हुई होणगियां जाने च भी ते अनजाने च भी, पर मैं एक गल तुहाडे सारिया संगतां दे गुरु साहब की हाजरी च विश्वास ना कह सकदा है। दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने जदों भी कोई वहम फैसला लिया, पहला गुरु चरणा च अरदास बेनती जोधड़ी की, गुरु साहब दिल्ली कमेटी अजे फैसला लैन लगी, आप तरस खायो, सानू सेध बख्शियो जी, असी तुहानू विश्वास दवा सकते हैं जेड़े भी फैसले ले गुरु साहब के चरणा च नतमस्तक होके अरदास करके फैसले ले कि दाता आप ही साढ़े तरस खायो, सानू आप ही सीधे राह चलण का बल बख्शियो जी। अज पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर जिथे आप इस महान पुरब नू, इस महान दिहाड़े नू बड़े श्रद्धा सत्कार नाल मना रहे हैं, उत्थे पूरे देश और दुनिया के अंदर धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी के 350 साल प्रकाश पुरब की बहुत वड्डे पद्धर ते मनाउण दीआं तैयारियां चल दीआं पईआं ने। सानू अज इस गल की तसली आ, इस भारत वर्ष के अंदर, इस हिंदुस्तान के अंदर जो साढ़े गुरु साहिबान दीआं शहादतां, उस तो बाद गुरु दे सिखा दे जरनैलां दीआं शहादतां, अज इस मुल्क की जो रूपरेखा है, अज इस मुल्क का जो ढांचा है, वो इसे करके कायम आ। बहुते मंदरां च दीवे इस करके बलदे ने क्योंकि दसवें पातशाह ने जिथे अपने पिता की शहादत दित्ती, उत्थे अपने बच्चों की भी शहादत दे के अज उन्हां मंदरां नूं बचाया है। एक ऐसा समा सी कोई सोच नहीं सकता सी, उस समय के अंदर आके भी जिस तरीके गुरु नानक देव साहिब महाराज ने, दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज ने जिस तरीके कौम की दुबी कुचली कौम नूं एक नवी रूह फूकी, एक नवी ताकत बख्शी, अज उसे दा ही सिला है। बिहार वर्गे सूबे च जिथे साडे लोग बहुत चंद सैकड़ों की गिनती च रहिंदे ने, उत्थों दे भी मुख्यमंत्री जदों गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी का 350 साल का प्रकाश पुरब आ रहा, अपना फर्ज समझ के उसकी अदायगी कर रहे हैं और दुनिया पद्धर से उसनु मनाने की तैयारी करते पे ने। जे तुसी देखिया होवे, तीन दिन पहला जेड़े वड्डे प्रोग्राम होए जिथे उत्थों दे मुख्यमंत्री ने आप गुरु चरणा च समर्पित होए और ऐलान किया कि मेरी जिंदगी का सब तो खुशहाल, मेरा सब तो जरा सच्चा और सुचा सुपना पूरा होने जा रहा है, वो ये आ कि मेरे राज के दौरान, मेरे इस
सूबे च राज दे दौरान मेरे मुख्यमंत्री दे दौरान यह महान सेवा साडी झोली गुरु साहब ने पाई आ। इस तो वड्डी प्रसन्नता की गल मेरे और मेरे परिवार वास्ते नहीं हो सकती, ऐसी देश ऐसी एक सूबे दे मुख्यमंत्री वालों और जनतक तौर पर। इस तरह देश के प्रधानमंत्री ने भी जिथे 15 अगस्त नूं मंच तो ऐलान किया कि साडी यह पूरा देश पूरी दुनिया के अंदर गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी दे इस सने नूं घर घर पहुंचाउण दा काम करो और बड़े वड्डे पद्धर ते असीं मनावांगे। साध संगत जी फिर साडा भी फर्ज बन जांदा है, असीं भी अपने निजी वितकरियां तों उपर उठ के अपनियां निजी एक दूजे दे निजी दोषां नूं छड्ड के असीं भी इस उपराले नूं वड्डा करके चुकीए जिथे अज दुनिया समर्पित आ तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों च। साडा फर्ज बनता है गुरु नानक देव साहिब महाराज का सुनिया जिहड़ा लोकाई तक पहुंचाना बहुत जरूरी आ। अज असीं आपस ही वंडियां पाईआं ने, दूजे धर्मां दे लोकां नूं कई लोग माड़ा चंगा भी बोल दिंदे ने, ऐसे अल्फाजा का इस्तेमाल भी किया जाता दूजियां दे धर्मां दे प्रति। असीं गुरु नानक देव साहिब महाराज का सच्चा सुनिया पहुंचाउण च कितना कितने नाकाम हो रहे हैं। मैनू 2-3 वारा मौका मिलिया पाकिस्तान जाके तन तन साहिब श्री गुरु नानक देव साहिब महाराज के चरण छो महान स्थानों के दर्शन करन दा। पिछले दिनों के अंदर मैं और दिल्ली कमेटी के प्रधान सरदार मनजीत सिंह जी के सानू एक मौका मिलिया, असी पाकिस्तान दर्शन करन गए, करतारपुर साहब की उस महान धरती के दर्शन किए जिथे गुरु साहब ने आप किरत कमाई, जिथे गुरु साहब ने आप खेती की। जदों असीं उत्थे